जज्बा हो अंदर तो किसी भी मुश्किल से लड़ते हुए आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को करने की हिम्मत हो जज्बा हो अंदर तो किसी भी मुश्किल से लड़ते हुए आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। मेरे सामने जो आप कार देख रहे हैं ये कोई आम इंसान नहीं चलाता, ये बिंदुलाल चलाते हैं और बिंदुलाल दोनों पैरों से दिव्यांग है। दिव्यांगता ऐसी कि 85% मेडिकल ने इन्हें प्रूव करा। हमें 2 साल बाद विकलांगता हुई, हमको जो है बहुत तेज फीवर आया और यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर नाम, उन्होंने इंजेक्शन दिया, उसी वजह से हमको जो है पूरे शरीर में ऐठन हो गया और उसी वजह से हम विकलांग हो गए। तब से लेके मैं न चल पा रहा हूँ न फिर पा रहा हूँ। आप जो है अपने ये गाड़ी चलाने का जज्बा आप में कैसे आया और आपने इसको सीखा कैसे? सर कुछ लोग तो टूट जाते हैं इस माहौल में। जी सर, सर मैं एक गाड़ी लेके जा रहा, मेरे ड्राइवर थे पहले तो वो चला रहे थे, तो एक दिन वो नहीं आए तो उन्होंने कहा यार अब हम सबका नौकरी ही करेंगे, बार बार चलाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा बात आपने कहा है तो हम इसको सीखेंगे जरूर। तो फिर हमने धीरे धीरे जो है उनके पैर को हाथ को देखा और यहाँ पे जो चलाते थे वो, उसके बाद उसको देखते देखते हम सीखे। मतलब आपको किसी ने नहीं सिखाया? नहीं, सिखाया किसी ने नहीं है, हम अपने आप से सीखे। आपको ये अगर आप ये गाड़ी चला लेते हैं, ये SUV है, और इस SUV को चलाने के बाद आपको क्या लाइसेंस वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया कभी? जी सर, एक बार गए थे हम RTO ऑफिस, तो वहाँ क्या हुआ कि जो है बोले कि ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो हमने एक गाड़ी जो है वही थी, कार थी एक, तो उसको लेके हम थोड़ी दूर गए और हमारे साथ में जो है RTO के एक जो है वो थे सिपाही, वो यहाँ बैठे। उसके बाद फिर हम दोनों लोग गए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटा हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप विकलांग हैं। इसी बात भले ही लगे कि एक विकलांग गाड़ी चला रहा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत खास बात है कि इस विकलांग में इतना जज्बा है कि ये जो है एक कार को चला पा रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, ETV।